हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विभिन्न प्रकार की एफिलिएशन के लिए 1205 स्कूलों ने आवेदन किया है। इनमें से 1087 स्कूलों ने नवीनीकरण हेतु आवेदन किया है। निजी स्कूलों द्वारा किए गए आवेदन के चलते बोर्ड ने टेम्परेरी एफिलिएशन प्रदान की है, क्योंकि कोविड काल चल रहा है। वहीं बोर्ड प्रशासन का कहना है कि मार्च अप्रैल में स्थिति ठीक होने पर इन स्कूलों की इंस्पेक्शन की जाएगी। जो कमियां नजर आएंगी उन्हें दूर करने को कहा जाएगा। गौरतलब है कि एफिलिएशन देने से पहले बोर्ड द्वारा निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन की जाती है। इसके लिए 20 टीमों का गठन किया गया था, लेकिन कोविड के चलते टीमों को स्कूलों की इंस्पेक्शन हेतु नहीं भेजा गया। स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि कोविड काल में जिन निजी स्कूलों ने आवेदन किया है उन्हें टेम्परेरी एफिलिएशन प्रदान की गई है। 50 नए आवेदन आए हैं। अपग्रेडेशन के 38 आवेदन आए हैं। 3 से 5 साल की एफिलिएशन के लिए 30 आवेदन आए हैं। नवीनीकरण के लिए 1087 आवेदन आए हैं। यानी कुल मिलाकर 1205 स्कूलों ने विभिन्न प्रकार की एफिलिएशन के लिए आवेदन किया है। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 20 टीमों का गठन किया था, लेकिन कोविड काल में बोर्ड अभी उन टीमों को भेज नहीं रहा है। टेम्परेरी एफिलिएशन दे दी गई है। मार्च अप्रैल माह में स्थिति ठीक होने पर लगा कि इंस्पेक्शन करने की जरूरत होगी तो इंस्पेक्शन की जाएगी, और किसी तरह की खामी नजर आएगी तो उसे दूर करने के लिए भी स्कूलों को कहा जाएगा। आज के इस कोविड काल में विद्यालयों ने जिन जिन ने अप्लाई किया है तो उन सबको हमने टेम्परेरी एफिलिएशन प्रदान कर दी है। ऐसे आवेदन जो फ्रेश आवेदन है वो 50 आए हुए हैं, और अपग्रेडेशन करने के लिए 38 आवेदन आए हुए हैं, और 3 से 5 साल के लिए एफिलिएशन देने के लिए 30 आवेदन आए हुए हैं। रिन्यूअल के लिए 1087 आवेदन ऐसे प्राइवेट स्कूलों से आए हुए हैं। कुल मिलाकर 1205 इस संख्या में स्कूलों ने एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया है विभिन्न प्रकार की, और इसके लिए हमने 20 टीमों का गठन भी किया था, लेकिन अभी हम कोविड काल में उन टीमों को भेज नहीं रहे हैं। टेम्परेरी एफिलिएशन दे दिया है, और बाद में मार्च अप्रैल में यदि उनका इंस्पेक्शन करने का हमें लगा कि माहौल ठीक है तो उस वक्त हम करेंगे उनका इंस्पेक्शन, और उनको अंतिम तौर पर यदि कोई इस प्रकार की खामी कोई दिखती है तो उस खामी को भी दूर करने के लिए उनको कहेंगे कि इन खामियों को आप दूर करें।